मुंबई के बरसोवा में चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर स्कूल की तरफ से 38वां एनुअल डे का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस एनुअल डे कार्यक्रम में नेता से लेकर अभिनेता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। इस कार्यक्रम का आयोजन अजय कौर के द्वारा किया गया था। इसके साथ महाबलेश्वर में हुआ बस हादसा में रेस्क्यू करने वाले टीम की भी स्कूल की तरफ से प्रिंसिपल अजय कौर ने के हाथों सत्कार किया गया। और पिछले साल श्री देवी द्वारा भाजी रोटी योजना चालू करने वाले उनके सारे टीम का भी सत्कार किया गया। आम्ही महाबळेश्वर ॲडव्हेंचर ट्रेकर्स महाबळेश्वरहून आलेलो आहोत। आज आमचा CWC कॉलेजमध्ये सत्कार आहे। आम्ही आघातून आधाराकडे या ब्रीज वाक्यानुसार गेले 15 वर्ष महाबळेश्वर सातारा जिल्हा रायगड जिल्हा पुणे जिल्हा या 3 जिल्ह्यांमध्ये आपत्कालीनसाठी काम करतो। आपत्कालीनमध्ये म्हणजे ते ॲक्सिडेंट झाला पाण्यातून कोण वाहत गेलं कोण बुडालं असेल तर असे मृत्यू काढून देण्याचं काम करतो आणि ही सगळी सेवा आम्ही विनामूल्य करतो। याच्यामध्ये बरेचसे लोकांना सरकारतर्फे मदत मिळत नव्हती आहे त्यावेळेला आमची मदत होत असते। ज्या ठिकाणी सरकारी मदत अजिबात मिळत नाही एखादा NDRF असेल किंवा बाकी सगळं असेल त्या ठिकाणी काम करते आणि यशस्वी झालेले त्याच्यामध्ये आम्हाला CWC अजय सर यांनी आम्हाला 2 वर्षापूर्वी एक बोट दिलेली त्या बोटीमुळे आमचं बरंच काम सोयीस्कर झालेलं त्याच्या बोटीमुळे आम्ही पाण्यात 40 जे बुडालेले ते करत असतो कायमस्वरूपी। आतापर्यंत आम्ही जवळजवळ 150 बॉड्या लोकांना कव्हर करून दिलेल्या प्रशासनाला मदत केलेली। आमच्या टीममध्ये जवळजवळ आता 60 लोकांची टीम आहे। त्याच्यामध्ये आता आम्ही रिसेंटली म्हणजे आंबेळी घाटामध्ये जो दापोली कृषी विद्यापीठाची बस गेली होती घाटामध्ये त्याच्यामध्ये 30 लोकांचा मृत्यू झाला होता। तर त्या 30 लोकांच्या मृत्यूमध्ये आम्ही 24 तासामध्ये काढून सरकारला आम्ही मदत केलेली आहे। अशा आम्ही हे काम कायमस्वरूपी 24 तास चालू असतं। कधी आम्ही अलर्ट 24 तास अलर्ट असतो। चिल्ड्रेन्स वेलफेयर सेंटर हायस्कूल इसके 38वें सालाना जलसा में मैं आया हूँ और यहाँ मुझे लाने वाले जो हैं वो अजय सर हैं, मेरे बहुत प्रिय मित्र, बहुत पुराने मित्र, और हर साल मैं कोशिश करता हूँ कि इनके फंक्शन में ज़रूर आया जाए। इसी बहाने इस इलाके में जो पेरेंट्स हैं उनका दर्शन हो जाता है, उनके बच्चों की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं अजय जी की जो उपलब्धियाँ हैं उन उपलब्धियों का भी मैं एक गवाह बनता हूँ। तो अजय जी एक बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं
और बहुत ही कामयाबी के साथ एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। Now I would request Dharmendra ji to please come onto the stage, sir. Please, the audience is waiting for you. अभिनंदन जैसे अभिनंदन जैसे जो नौजवान और वायुसेना के जवान, उन पर हम सबको गर्व है, फक्र है, पूरे देश के जो सशस्त्र सेना के हमारे जवान हैं, उनके पराक्रम और उनकी ताकत पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। और आज तक और अब तक और आज हिंदुस्तान के सेना के जवानों ने एक नहीं कई बार पाकिस्तान को हराया है। ये हमारे सेना के जवान थे जिन्होंने पाकिस्तान को दो टुकड़े में बदल दिया था। हमारे सेना के जवान थे जिन्होंने पाकिस्तान के 93,000 जवानों को सरेंडर करा दिया था। ये हिंदुस्तान के हमारे जवान थे जिन्होंने 1965 में पाकिस्तान को हराया। तो ऐसे जवान हमारे लिए गर्व और फख्र की बात है, और उन्हीं में से एक अभिनंदन है। और जिस तरीके से पाकिस्तानियों के सामने उन्होंने अपने हिंदुस्तान की इज्जत रखी, उसके लिए उनको सलाम।